अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब बेहर हरी से होंगे। दोस्तों, ये जो गाड़ी है निसान पेट्रोल है, मिडल ईस्ट है, 2016 मॉडल है। गाड़ी में एक इशू है, गाड़ी का जो RPM है वो इसका 800 से लेके 900 तक जा रहा है। ये आपके सामने है, गाड़ी स्टार्ट है तो बाहर चल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी हमने थ्रोटल बॉडी है वो चेंज की है। जब भी आपने न्यू डलवानी है या आपने थ्रोटल को क्लीन करना है तो इस तरह का इशू आ जाता है। ये न्यू वाली थ्रोटल बॉडी हमने इसमें लगा दी है। इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब थी जिसकी वजह से हमने न्यू लगाई है। ये आपको नज़र आ रही है, ये इसमें हमने न्यू वाली फ़िक्स की है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी का RPM थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये इसकी ओल्ड वाली है, पुरानी वाली, इसमें इशू था जिसकी वजह से हमने इसकी थ्रोटल बॉडी चेंज की है। तो जब भी आपने इसको क्लीन करना है तो फिर भी इस तरह का इशू आ सकता है। तो अंदर चल के इसको किस तरह सॉल्व करना है इस फॉल्ट को, वो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा तरीका कर समझाऊंगा। गाड़ी हमारी स्टार्ट है, इंजन RPM आप देख सकते हैं 800 से लेके 900 तक जा रहा है। अभी 8.2550 इस तरह जा रहा है समथिंग। तो AC पे इसका 700 तक जाना चाहिए। अगर ओरिजिनल पोजीशन है तो इसको 6 से लेके 7.5 तक फ्लक्चुएट करना चाहिए। तो बैक आना, सबसे पहले यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाना है हमने। ये आ गया आइडियल एयर वाल लर्न, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वो बोलता है कि फर्स्ट पे बोल रहा है बैटरी वोल्टेज आपके 12 वोल्ट होने चाहिए, इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो है 70 से लेके 100 सेल्सियस तक होना चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है, तो इंजन टेम्परेचर भी इसका सही है। जो गाड़ी है आपकी पार्किंग पे होनी चाहिए, पी पे होनी चाहिए। और नीचे वो बोल रहा है कि लाइटें का जो स्विच है, हेडलाइट का जो स्विच है वो ऑफ का ऑफ होना चाहिए। तो गाड़ी का AC जो है, एयर कंडीशनर वो ऑफ होना चाहिए, ब्लोअर ऑफ होना चाहिए, स्टीयरिंग जो है आपका बिल्कुल मिडल पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ओके हैं। तो नीचे वो बोलता है कि प्रेस द बटन ओके, तो यहाँ से हम नीचे से इसको ओके कर देते हैं। वेटिंग फॉर योर ऑपरेशन कंटिन्यू, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। एक्सक्यूटिंग, अब ये हमारा जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया। ये करंट स्टेटस में आप देख सकते हैं एक्सक्यूटिंग है। अभी रेस भी इसकी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है। तो जब तक ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं शो करेगा तब तक हमारा जो आइडियल एयर वार की लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है। इसका RPM भी नीचे आ गया अपनी जगह पे, आइडियल पोजीशन पे स्टेबल खड़ा हो गया। बैक आते हैं, लाइव डाटा ओपन करते हैं। अब इसकी इंजन स्पीड में देखते हैं कि क्या रीडिंग शो कर रहा है। Establishing vehicle communication. तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इंजन RPM को, ये आ गया। और इसके बाद एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सका वीडियो के शुरू में, आइडियल एयर वार लर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो इस तरह का इशू आएगा, अगर कंप्लीट है तो फिर कोई और मसला हो सकता है। ये आ गया आइडियल एयर वाल लर्निंग, कंप्लीट है हमारी। आप देख सकते हैं इंजन स्पीड का जो RPM है अब वो 700 से नीचे है। मतलब जिस तरह आपको मैंने बताया था कि 675 RPM इसका जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे है, मतलब जो इसकी जेन्युइन पोजीशन है ये वाली है। जैसे ही आप अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ से AC ऑन करते हैं, हमारा थोड़ा सा RPM जो है वो ऊपर चला जाएगा 700 तक। तो ये आपके सामने है 750, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। जैसे ही AC ऑन करेंगे तो आपका RPM जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो के शुरू में आपने देखा था बग़ैर AC के हमारा RPM 850 पे जा रहा था, मतलब गाड़ी की रेस जो है वो ज़्यादा थी। तो अभी AC बंद कर दिया, RPM इसका कम हो गया। गाड़ी को बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं।
ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, आरपीएम इसका बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आरपीएम इसका बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आइडियल एयर वॉल लर्निंग भी हमारी कंप्लीट है। तो वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।